अयोध्या में अचानक से उतरे एनएसजी कमांडो, दुकानें सड़कें सब बंद, जाने आखिर क्या है माजरा। अयोध्या से रामलला की सुरक्षा को लेकर अयोध्या में एनएसजी कमांडो तैनात किए जाने हैं। इसको लेकर एनएसजी की टीम लगातार अपने कौशल कला का प्रदर्शन 3 दिनों से कर रही है। राम जन्मभूमि परिसर में कल नेशनल सुरक्षा गार्ड ने आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा उपलब्ध करवाते हुए आतंकी गतिविधियों से कैसे निपटा जाता है इसको लेकर अपने कौशल का प्रदर्शन भी किया है। इसके बाद देर रात एक बार फिर एनएसजी कमांडो जब अयोध्या की सड़कों पर उतरे तो अयोध्यावासी भी आश्चर्यचकित रह गए। आपको बता दें, देर रात हनुमानगढ़ी, कनक भवन और दशरथ महल की सभी दुकानों को अचानक से बंद करवा दिया गया। इसके बाद हनुमानगढ़ी, बड़ा स्थान, कनक भवन परिसर में टेररिस्ट एक्टिविटी होने पर किस तरह से लोगों को सुरक्षित किया जाता है, आपातकालीन स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है इसको लेकर प्रदर्शन भी किया गया। बड़ा स्थान से कनक भवन और हनुमानगढ़ी तक मॉक ड्रिल करते हुए एनएसजी के जवानों ने अपनी कला का प्रदर्शन भी किया है। इस दौरान हनुमानगढ़ी और कनक भवन के आसपास भक्ति पथ के मार्ग को पूरी तरह से बंद करवा दिया गया। अचानक होने वाले इस मॉक ड्रिल से स्थानीय लोग भी हैरान रह गए। आपको बता दें, सूत्रों के अनुसार ये बताया गया है कि यहाँ पर एनएसजी कमान बन रहा है। यहाँ पर सावन झूला मेला और कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियाँ भी चल रही है। इसको लेकर एनएसजी की टीम अयोध्या आ गई है, क्योंकि अयोध्या की सुरक्षा देश की टॉप सुरक्षा एजेंसी संभाल रही है। एनएसजी द्वारा किए जा रहे मॉक ड्रिल को लेकर कहा यह भी जा रहा है कि यह अपने आप में ही एक रोमांचक और अद्भुत दृश्य है कि आपातकालीन स्थिति से लोगों को कैसे बचाया जाता है, ये इसका प्रदर्शन किया गया है।